इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मीशो के अंदर अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ आता है यहाँ पर द डिलीवरी पार्टनर वाज अनेबल टू डिलीवर योर ऑर्डर एंड इट हैज़ बीन रिटर्न इट टू द सप्लायर, तो यहाँ पर क्या मतलब रहता है इसका और क्या इशू रहता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ आता है और डिलीवर नहीं हो पाता, तो ध्यान से आप देखिएगा। देखिए जो ये प्रोडक्ट है ये आपके पास घर तक आया बट आपके जो है किसी वजह से आपको नहीं मिल पाया और आपके जो डिलीवरी बॉय जो होगा वो आपके रिटर्न जो है वापसी दे देता है और वो सप्लायर पर वापसी चली जाती है, तो तब यहाँ पर आपको लिखा हुआ ही आ जाता है। तो ये रीज़न आपको पता होगा कि क्यों आया, आपने लेने से इनकार कर दिया होगा या फिर आपने फ़ोन नहीं उठाया होगा या फिर डिलीवरी बॉय को एड्रेस नहीं मिला होगा, तो तब ये इशू देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको डिलीवरी बिल्कुल ठीक ठाक करवानी है, इतना गलत नहीं करवाना, एड्रेस गलत नहीं देना एंड सही एड्रेस देना है और आपको कॉल पिकअप करनी पड़ेगी। एंड अगर आपको इस तरीके से इशू नहीं चाहिए तो एक ही दफ़े में लेना पड़ेगा, तो वरना आपको इशू आ सकता है इस तरीके से जिस तरीके से इसमें आ रहा है, और बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका इशू यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।